तो दोस्तों अभी कार के इंजन की कुछ ऐसी कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने कार के इंजन को कुछ ही मिनटों में कैसे क्लीन करें, क्योंकि अक्सर वो हमारा इंजन बहुत ही गंदा रहता है और उसे हम कभी वॉश भी नहीं कराते हैं जल्दी से। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और 5 से 10 मिनट में आप अपने इंजन को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा था कि एक कार इंजन क्लीन करने पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों उसके लिए चाहिए हमें एक पेंट करने वाला ब्रश, अगर खराब भी होगा, पुराना भी होगा तो भी चलेगा। और ये एक मैंने खाली डब्बा लिया है, आप कोई खराब बर्तन भी ले सकते हो। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालूंगा, आपके पास अगर डीजल हो तो भी काम चल जाएगा। मेरे पास मिट्टी का तेल था तो मैंने मिट्टी का तेल ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालना है। इतना मिट्टी का तेल काफ़ी रहेगा। और अब मैं इसको बंद करके साइड पे रख देता हूँ। और अब इसमें डालना है डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा सा, मेरे पास सर्फ एक्सेल है तो आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 चुटकी इसमें डिटर्जेंट पाउडर की डालनी है। डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद इसमें एक शैम्पू डालना है, मेरे पास डव का शैम्पू है, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू डालने के बाद इसको मिक्स करना है 10 से 15 सेकंड तक इस ब्रश की मदद से। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा साफ पानी लेना है और इस पानी से इस पे हल्का हल्का छिड़काव करना है पूरे इंजन पर। ज़्यादा पानी नहीं गिराना है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह और फ्यूज वगैरह होते हैं तो उसमें जाने का खतरा होता है, इसलिए हाथ से ही पानी का छिड़काव करना है पूरे इंजन के ऊपर। उसके बाद जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसको हर जगह अप्लाई करना है इंजन पे, और जहाँ पर भी आपको ऑयल और ग्रीस वगैरह दिखाई दे तो वहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई करें ताकि वो ग्रीस और ऑयल जो जमा हुआ है वो हट जाए। और दोस्तों मैंने इसको सभी जगह अच्छे से अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। और दोस्तों इसको 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब मैंने एक बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर उसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया है और उसको अच्छे से घोल के एक कपड़े की मदद से पूरे इंजन के ऊपर छिड़काव करना है सर्फ वाले पानी का। और जितने भी पार्ट्स पर हमने मिट्टी का तेल अप्लाई किया था उस पर भी पूरा अच्छे से सर्फ वाले पानी का छिड़काव कर देना है कुछ इस तरह। और दोस्तों सर्फ वाले पानी का छिड़काव करने के बाद ये जो हमारे हाथ में कपड़ा है इसी कपड़े से जितनी भी जगह कालस लगी होगी तो इस कपड़े को वहाँ पर रब करना है, यानी कि रगड़ना है थोड़ा। और दोस्तों कपड़ा रगड़ने का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब हमें साफ पानी लेना है थोड़ा सा और उस साफ पानी को सभी जगह छिड़काव करना है। और दोस्तों अब हमें एक सूखा और साफ कपड़ा लेना है, उस कपड़े से सभी जगह का पानी साफ कर देना है बिल्कुल, और तभी हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा।
और दोस्तों सारा काम कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा है। तो दोस्तों ये था एक कार इंजन क्लीन करने का छोटा सा प्रोसेस। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।